नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम अभिनंदन। मैं हूं डॉक्टर वायरा की, आपका स्वागत अभिनंदन करती हूं। फिर से हम पहुंच गए हैं 16 सितंबर पे, थैंक गॉड। क्यों बताती हूं। सबसे पहले बिलीव इन कर्मा। ओ हो, सूर्य अपना राशि परिवर्तन कर रहा, और मैं चाहती थी कि सूर्य अपना राशि परिवर्तन जल्दी से कर ले, क्योंकि मंगल अस्त हो गया था। सूर्य के साथ बैठकर मंगल के अस्त होने से बड़े प्रॉब्लम्स हो रही थी, पैसों की दिक्कत हो रही थी, झगड़े बहुत हो रहे थे और एक्सीडेंट्स बहुत हो रहे थे, इलेक्ट्रॉनिक सामान घर के बहुत ख़राब हो रहे थे, युद्ध की स्थितियां हो रही थी, माहौल अच्छा नहीं हो रहा था। पैसों की दिक्कत के साथ साथ लोग बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में जा रहे थे, लेकिन स्थितियाँ अब बेहतर होंगी। 12 राशियों के हिसाब से आपको आज के बारे में मैं बताऊंगी कि सूर्य का राशि परिवर्तन हो रहा है, सूर्य कन्या राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं 16 सितंबर को। इसे संक्रांति भी बोलते हैं, ये हर महीने होती है, लेकिन हमारे दिमाग में तो केवल मकर संक्रांति रहती है। लेकिन आप इसी से समझ लीजिए कि मकर संक्रांति जब इतनी महत्वपूर्ण है, जिसमें हम इतना दान पुण्य करते हैं, तो बाकी महीने की संक्रांतियाँ भी कितनी महत्वपूर्ण होती होंगी, और ख़ासकर अगर गणेश जी घर पर आए हुए हों। दूसरा महत्वपूर्ण बात यह है कि संक्रांत, वो भी भादों के महीने की, भाद्रपद की संक्रांत अपने आप विशेष महत्व करती है। लोग कहते हैं संक्रांत में हमें, जब सूर्य अपना राशि परिवर्तन हर महीने करता है, तो हमें दान करना चाहिए। इस समय पर किए हुए दान का महत्व कई करोड़ गुना होता है, और ये हमारे घर से पितृदोष को भी ख़त्म करता है। चलिए नज़र डालते हैं। जब भी सूर्य अपना राशि परिवर्तन करता है या राशि बदलता है, उस दिन को संक्रांत कहते हैं। खासकर इस दिन दान, जाप और जिसे कहते हैं सूर्य नमस्कार, सूर्य प्रणाम, आदित्य हृदय सूरत का पाठ करना और गंगा स्नान का विशेष महत्व होता है। इसका असर सभी राशियों पर पड़ता है। राशिवत मैं आपको बताऊंगी किस राशि पर क्या असर पड़ रहा है। आपको दान पुण्य करना चाहिए, और खासकर गुड़ और गेहूं का दान करना चाहिए। जिन्हें सरकारी नौकरी चाहिए संक्रांत का, उन्हें व्रत रखना चाहिए। पूरे 12 महीने की संक्रांत का व्रत रखो। जब भी सूर्य राशि परिवर्तन करे, उस दिन आप व्रत रखो, और शाम के समय पर आप मीठा भोजन करें, नमक खाना छोड़ दें, इससे भी आपको सरकारी नौकरी जल्दी मिलती है। और इस तरह से एक महीने, मतलब एक वर्ष में 12 महीने होते हैं, और सूर्य 12 बार अपना राशि परिवर्तन करता है, तो अगर आप उपवास रखेंगे तो आपका सूर्य बहुत स्ट्रांग हो जाएगा। आपको इस दिन आगे पीछे सूरज को जल दें या ना दें, लेकिन संक्रांत वाले दिन सूरज को जल ज़रूर देना चाहिए। आपको लाल दाल, गुड़, गेहूँ और जौ, ये चीज़ें मंदिर में दान करनी चाहिए। आइए जानते हैं राशि के हिसाब से क्या असर होगा। मेष राशि, अपनी सेहत का इस टाइम पर आपको विशेष ध्यान रखना होगा। सेहत आपको थोड़ा सा तंग कर सकती है, साथ साथ आप थोड़े से चिड़चिड़े भी हो सकते हैं, तो अपना विशेष ध्यान रखें। वृषभ राशि की बात करें तो यात्रा पर ध्यान रखें। यात्रा तो आपकी होगी, पर आपको चोट लग सकती है या आपका यात्रा में कोई सामान खो सकता है। मिथुन राशि की बात की जाए तो मानसिक तनाव से आपको गुजरना होगा। मानसिक तनाव आपको ना हो, इसका ध्यान रखें। कर्क राशि की बात करें तो कार्य क्षेत्र में आपको कोई गुड न्यूज मिल सकती है। बात करते हैं सिंह राशि की। वाणी का ध्यान रखें, पत्नी या पति के साथ आपका झगड़ा हो सकता है और घरेलू हिंसा तक बातें पहुंच सकती हैं। कन्या राशि, अपने धन का ध्यान रखें, धन में नुकसान हो सकता है, कोई व्यक्ति आपसे पैसा लेकर, हो सकता है आपको पैसा वापस ना करे। हालांकि सूर्य आप ही की राशि में प्रवेश कर रहा है, इसलिए आपका कॉन्फिडेंस बढ़ा रहेगा, लेकिन वाणी पर कंट्रोल रखें। तुला राशि, दोस्तों का ध्यान रखना होगा। दोस्तों से कोई गुड न्यूज़ भी मिल सकती है, लेकिन दोस्तों से कोई बैड न्यूज़ भी आपको मिल सकती है। वृश्चिक राशि की बात करें तो पिता की सेहत का इस वक्त ध्यान रखना होगा। पिता से जुड़ी हुई कोई बात आपको तंग कर सकती है। धनुराशि, कार्य आपका उत्तम रहेगा, लेकिन आपको जो एजुकेशन से जुड़े हुए बच्चे हैं, उनको कोई गुड न्यूज़ ज़रूर मिलेगी। मकर राशि की बात करें तो कानूनी मामलों में अब आपकी हार हो सकती है, कानूनी मामलों में आप फंस सकते हैं और आपकी बदनामी हो सकती है। कुंभ राशि की बात करें तो लड़ाई झगड़े हो सकते हैं, और ये लड़ाई झगड़े एक्सट्रीम तक जा सकते हैं। अपने गुस्से पर और अपनी वाणी पर काबू रखें। मीन राशि की बात करें, जीवन साथी से मिल सकती है खुशखबरी। और मीन राशि वालों, अगर अभी तक आपकी शादी नहीं हुई तो विवाह होने के पूरे पूरे चांसेस हैं। मैं हूं डॉक्टर वायरा की, और इस वक्त आप अपना और मेरा दोनों का यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। बात कर रहे थे कन्या राशि की, लेकिन अब मैं आपके साथ अपने कुछ एक्सपीरियंसेस शेयर करना चाहती हूँ। सडनली मैंने
देव के कहने पर मॉर्निंग वॉक करनी शुरू करी है। देव ने मुझे कहा मॉर्निंग वॉक करें, तो मैंने मॉर्निंग वॉक करते वक्त लोगों के अंदर बहुत सारी चीज़ें नोटिस करी। मेरा क्या रूटीन है कि मैं 3:30 से 4 बजे के बीच में और मैक्स टू मैक्स 4:30 बजे उठ जाती हूँ, बट 4:30 हो नहीं पाते हैं क्योंकि अब आदत हो चुकी है, जल्दी उठती हूँ। नहाए धोए, अपना भगवान का नाम लिया, अपना पूरा घर खुला, अपने घर में पूजा करी, तुलसी की का दिया जलाया मेन डोर पर, अपने आंगन में दिया जलाया, उसके बाद अपनी सोसाइटी के मंदिर में गए, शिवलिंग की पूजा करी, उसके बाद गौशाला गए, फिर कुत्ते को दूध पिलाया, कबूतरों को बाजरा दिया, गाय को रोटी खिलाई और अपना दूध ब्रेड घर की जो भी सब्जियां वगैरह लेनी है ली और अपने घर आ गए। बड़े सालों से मेरा यही रूटीन है और मैं बड़ा इंजॉय कर रही थी। देन वन डे देव हैज़ टोल्ड मी, मैंने कहा देव मोटे होते जा रहे, मोटे होते जा रहे। बोला माँ आप तो जल्दी उठती हो, मॉर्निंग वॉक कर लिया करो। तो मैंने देव के कहने पर मॉर्निंग वॉक शुरू किया सावन का महीना आने से पहले। लेकिन प्रॉब्लम ये हो गई कि मैंने मॉर्निंग वॉक जब शुरू किया उसके ठीक 2 दिन बाद, जस्ट अ सेकेंड नेक्स्ट 2 डेज सावन शुरू हो रहा था। अब आपको पता है कि मैं सावन और कार्तिक के महीने में चप्पल तो पहनती नहीं हूँ। अब भाई मॉर्निंग वॉक तो शुरू कर लिया, चप्पल पैरों में पहननी नहीं है। जिंदगी में अपने घर से गए, गाड़ी में बैठ गए, गाड़ी से बाहर गए, घर आ गए, घर से गाड़ी, गाड़ी से घर, घर से गाड़ी, गाड़ी से घर। मैं वैसे भी बहुत ज़्यादा बाहर नहीं जाती हूँ, मुझे कुछ चीज़ें चाहिए, अपनी लिस्ट बनाई, उतनी दुकान पर गए और आ गए। मुझे बहुत ज़्यादा घूमने फिरने का शौक़ नहीं है, मुझे घर रहना बहुत अच्छा लगता है। तो मेरे को लाइफ में अब 1-1.5 घंटा वॉक करना है, 1 घंटा। पहले ये शुरू हुई वॉक 20 मिनट से, फिर 22 मिनट, फिर 25 मिनट और आज के लिए वॉक चल रही है 1 घंटा 10 मिनट। पैरों में छाले पड़ गए, पैर कटने लगे, सड़क पर नंगे पैर सुबह सुबह चलना, बड़े अलग अलग एक्सपीरियंसेस हुए। देव ने बोला छोड़ दो, मैंने कहा नहीं, अब अगर शुरू किया है, मेरी वैसे भी पर्सनल निजी प्रॉब्लम है, मैं कोई चीज़ शुरू नहीं करती हूँ, अगर मैं शुरू कर दूँ तो फिर मैं उसे छोड़ती नहीं हूँ। खैर एनीवेज चलता रहा, बड़ी तकलीफ हुई, घर आए, पैरों में विक्स लगा ली क्योंकि मैं जो सॉक्स नहीं पहनती हूँ, मैं पट्टी नहीं बांधती हूँ, मैं कोई कपड़ा नहीं लगाती हूँ, मैं नहीं, मतलब नंगे पैर, इट मीन्स नंगे पैर। घर आए, अपना पैर धोए, बैठ गए, गर्म पानी में पैर डाल लिए, ठंडे पानी में बर्फ़ के डाल लिए, थोड़ा रिलैक्स हो गया, अगले दिन तक थोड़ा लड़खा लड़का के चले, सुबह तक फिर रात को विक्स लगा कर सो गए, सुबह फिर पैर सही हो जाते थे, फिर वॉक कर लिए। लेकिन मैंने मॉर्निंग वॉक में एक चीज़ देखी, मैंने देखा लोग वॉक करते हैं, लोग वॉक करते करते ऐवे ही पत्ते तोड़ते हुए चले जाते हैं, पेड़ों को तोड़ते हुए चले जाएंगे, पौधों को तोड़ते हुए चले जाएंगे। तो मैंने उन्हें तो कुछ नहीं कहा, हर जगह पर मैं उपदेश देती हुई अच्छी नहीं लगती हूँ, लेकिन मैंने आपको ये बताना शुरू किया कि उनमें से बहुत से लोग आप भी हो सकते हैं। आपको पता है मॉर्निंग वॉक करते वक्त बेमतलब पे फूल तोड़ना, बेमतलब पे पत्ते तोड़ना, ऐवे ही, मतलब वो किस ये तोड़ करें कि फूल तोड़ कर मैं माला बना रही हूँ, तोड़ तोड़ कर यहाँ फेंक रहे हैं, वहाँ फेंक रहे हैं, इससे आपका बुध ग्रह बहुत ख़राब होता है। और जब जब आप पौधों को तोड़ते हैं, काटते हैं, इस तरह से पत्तियों में खींचते हैं, उतनी ही तकलीफ आपको होती है, आपके कर्म खराब होते हैं, क्योंकि आई ऑलवेज सेज बिलीव इन कर्मा। तो कई महिलाओं को मैंने देखा पीपल के पेड़ पर मैडम जूता पहनकर खड़ी हैं, हाथ ऐसे करे हैं, सामने वाला पैर ऐसे, और 1 और 2 और 3 और जूते को पीपल के पेड़ के ऊपर रखा हुआ है। और आपको ये समझ में नहीं आ रहा कि वो बरगद का और पीपल का पेड़ है, भले ही वो सड़क पर लगा हुआ है, भले ही उसकी पूजा नहीं हो रही, ये क्या मतलब है? पहली बात तो पीपल के पेड़ को शनिवार के सिवा कभी छूते ही नहीं है, और मैडम उसे जूता दिखा रही हैं, पैर मार रही हैं, और संडे सैटरडे तो मतलब ही नहीं करता है। तो कई महिलाओं को मैंने देखा कि वो पीपल के पेड़ पर हाथ रखकर ऐसे हाथ रखें, और 1 और 2 और 3, और मैं ये बात नहीं कर रही हूँ प्लीज़ कि ये न्यू जनरेशन कर रही है, मेरी उम्र की औरतें, मुझसे उम्र की बड़ी औरतें जो सारा दिन YouTube पर ये बातें देखती हैं, जानती हैं। तो मुझे रियलाइज़ हुआ यही औरतें हैं जो दरिद्र हैं, यही औरतें हैं जो गरीब हैं, यही औरतें हैं जिनके हस्बैंड से रिलेशन अच्छे नहीं है, यही औरतें हैं फिर जो हमें बाद में बोलती हैं कि राखी जी मेरा कोई काम नहीं बन रहा। आपको पता है आप कितने गलत काम कर रहे हैं? तो आधी अधूरी जानकारी जान का खतरा। मैंने मॉर्निंग वॉक के अंदर बड़े एक्सपीरियंसेस देखे जहाँ मॉर्निंग वॉक करने के लिए कुत्ते आपकी तरफ दौड़ कर आ रहे हैं, लोग लंबा लंबा डंडा लेकर चलते हैं, कुत्ते के पीछे मारना शुरू कर देते हैं। वो बेजुबान जानवर अपना दर्द भी बोल नहीं सकता, वो बेजुबान जानवर दवाई भी नहीं लगा सकता, वो बेजुबान जानवर कुछ नहीं करता। वहाँ मैंने कुछ लड़कों को देखा, वो साइकिलिंग करते हैं, वो साइकिलिंग करते हुए जानकर कुत्ते के छोटे छोटे पपीज़ होते हैं उनके बीच में जाकर उनके ऊपर साइकिल के टायर चढ़ाते हैं, उन्हें बहुत दर्द होता है। ये बात पे मैंने उन्हें रोका, बोला दे लाफ, यू नो आप अपने बच्चे घर के बच्चों को जब उठकर सुबह जाते हैं या आपके घर के बुजुर्ग जो जाते हैं उन्हें क्यों नहीं सही चीज़ें समझाते। बट मैंने अच्छे लोगों को भी देखा चींटियों को आटा डालते हुए, कबूतरों को बाजरा डालते हुए। एक आंटी हैं वो चना लेकर आती हैं, उसे भिगो देती हैं और फिर उस चने को
वो कबूतरों को डालती है, तो दैट्स रियली वेरी गुड। मतलब कुछ लोग अच्छे काम कर रहे हैं, बट आप यकीन नहीं मानेंगे कि इस मॉर्निंग वॉक के पैनल पे मैंने 90% लोगों को गलत काम करते हुए ही देखा, सही काम करते हुए नहीं देखा। नाक छिड़क कर सड़क पर फेंक रहे हैं, उसे पेड़ से पोंछ पोंछ कर साफ कर रहे हैं, पेड़ वो नीम का है या बरगद का है किसी को इस चीज़ से मतलब नहीं, लेकिन गंदगी मचाते हुए चल रहे हैं और फिर कहते हैं कोरोना फैल रहा है और फिर कहते हैं हमारे काम नहीं बन रहे। क्या आप भी इनमें से ऐसा कुछ कर रहे हैं? तो नज़र ज़रूर मारिए और अपने अपनों के साथ ये वीडियो शेयर कीजिए। चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर कीजिए। फिलहाल दीजिए इजाज़त। नमस्कार नमस्कार, सुस्वागत है, वेलकम अभिनंदन। मैं हूँ डॉक्टर वायरा की और आ गए हैं आपके पोटलियों का सीज़न। पोटलियाँ बिल्कुल तैयार हैं और आपने तो अब देख ही लिया कि किस शिद्दत से हम पूजा करवाते हैं। जब हमने 12 ज्योतिर्लिंगों की पूजा कराई, आपकी पोटलियों की पूजाएँ चालू हैं, चल रही हैं लगातार। और अब आपको हम पहले नवरात्रे पर पोटली डिस्पैच कर रहे हैं। अपने एड्रेस, अपना गोत्र, अपना नाम हमें तुरंत भेजना शुरू कर दीजिए, हमारे पास है। और आपने कहा था राखी जी पोटली बहुत महंगी है, पोटली बहुत महंगी है, तो मैंने पोटली के रेट बिल्कुल आधे कर दी हैं। पोटली इतनी बड़ी होती थी उसको मैंने छोटा कर दिया है, लेकिन पोटली जितनी छोटी है उतनी चमत्कारी है। ये पोटली आपके पास पहुंचेगी, कैसे रखना है, कब रखना है, सब आपको पता चल जाएगा। नेशनल, इंटरनेशनल, जहां भी आप हैं तुरंत हमें पोटली के लिए संपर्क करें, क्योंकि लिमिटेड पोटलियां हैं। कहीं आपका नंबर रह ना जाए फिर बाद में सॉरी हाँ जी प्लीज़ दे दीजिए राखी जी ये मुझसे नहीं हो पाएगा, क्योंकि मैं अकेली हूँ और बहुत सारी पूजाएं होती हैं लगातार। भादों में भी पूजाएं चल रही हैं, पितृपक्ष की पूजाएं चल रही हैं, तो अपनी पोटली के लिए ऑर्डर तुरंत दें। मेरी असिस्टेंट को कॉल करें, अगर वो कॉल नहीं उठाती है तो आप एक वॉइस मैसेज हमारे व्हाट्सअप पर छोड़ दें कि आपको ये पोटली चाहिए, इस पोटली को हम आपके घर भिजवाएंगे धन भर से। और पोटली के क्या चमत्कार हैं मैं नहीं बताऊंगी। पिछले साल की वीडियो जाकर शेयर करिए, 2020 राखी जी की वीडियो पोटली, और उस पर कमेंट्स पढ़िए। बाकी तो आप सब जानते हैं, जो मेरे परिवार का हिस्सा है वो जानते हैं कि ये पोटली नहीं चमत्कारियों का पोटला है। फिलहाल दीजिए इजाज़त। नमस्कार।